अगर आप लोगों को लगता है कि सर ट्यूशन फीस ज्यादा है तो एट द लास्ट हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पैकेज कितना गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जैसे कि आप लोग का इस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, इसका को आप लोग इसमें कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर कैसे कैंपस मिले, क्या क्या आप लोग को यहाँ पर फैसिलिटीज मिल रहा होगा, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग को ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, यानी ये सारे टॉपिक जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम लोग बहुत सारे कॉलेज में रिव्यू कर चुके हैं और अभी बहुत सारे रिव्यू जो है हम लोग करेंगे अभी। तो अगर आपको किसी कॉलेज का रिव्यू भी करवाना है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो। GNIOT एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो 2001 में बना था, और अगर हम लोग बात करें तो ये एक्टिव AKTU लखनऊ से एफिलिएटेड है, और ये AICTE से भी अप्रूव है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आप लोग दोनों कोर्स कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट भी कोर्स कर सकते हो और PG कोर्स भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और अगर बात करें तो आप इसमें मेरिट से भी एडमिशन ले सकते हो, और इसका एक मैनेजमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और अगर हम लोग इसका कैंपस का बात करें तो इसका जो कैंपस है वो 18 acres में फैला हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग एक ठीक ठाक यहाँ पर आप लोग को कैंपस मिल जाता है। तो ये आप लोग कैंपस था। और अगर हम लोग इसका एड्रेस का बात करें, इसका लोकेशन का बात करें, तो ये ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है, जो आप लोग को न्यू दिल्ली से भी आप लोग कुछ ही दूर में है, न्यू दिल्ली स्टेशन से भी आप लोग कुछ ही दूर लगेगा, कुछ ही समय लगेगा, और यहाँ पर आप लोग पहुंच सकते हो। तो जब ग्रेटर नोएडा 2001 में बना था तब उसके पास करीब 2000 स्टूडेंट है, बट अभी प्रेजेंट डेट में ग्रेटर नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास 7,500 से भी ज्यादा कैंडिडेट हो चुके हैं। तो ये था ग्रेटर नोएडा का कुछ की पॉइंट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि GNIOT में आप लोग कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो GNIOT में आप लोग बीटेक कर सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पर MBA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, BCOM कर सकते हो, MTech के कोर्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे कोर्स जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, या कोई अदर भी डाउट हो, तो आप लोगों को नीचे में इंक्वायरी नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। तो मेक श्योर आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा होगा तो आप लोग को इंक्वायरी नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग इंक्वायरी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों का फी क्या होगा, इस इंस्टीट्यूट का आप लोगों को कितना फी आप लोग पेमेंट करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फी का फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग कितना फी आप लोग यहाँ पर लगेगा। आप लोग का जो बेटे का फीस लगेगा वो लगेगा 1.5 lakh, आप लोग का ये पर ईयर का फीस लगेगा। तो अगर हम लोग BBA का बात करें तो आप लोग का BBA का फर्स्ट ईयर का फीस लगेगा 90,000। उसके बाद हम लोग बात करें कि आप लोग का MBA का फी कितना लगेगा, तो MBA का आप लोग का फर्स्ट ईयर का फी लगेगा 1.5 lakh। उसके बाद हम लोग बात करें BCA का, तो BCA का आप लोग का लगेगा फर्स्ट ईयर का जो आप लोग का फीस लगेगा वो लगेगा 90,000। और उसके बाद हम लोग बात करें MBA का फी आप लोग का 70,000 लगेगा पर ईयर आप लोग का लगेगा। फिर MTech का आप लोग करोगे तो आप लोग का 70,000 लगेगा, 70,000 पर ईयर। तो ये आप लोग का कुछ फीस था, तो फी आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे साउथ के कॉलेज से। तो उसके करीब में आप लोग यहाँ पर सपोज आपको जो BTech कंप्लीट करवा रहा है वो आप लोग यहाँ पर करवा रहा है 1.5 lakh, आप लोग का फर ईयर का फीस है, और आप लोग इसको 4% करोगे तो आप लोग का जो ट्यूशन फी है वो आप लोग का टोटल ट्यूशन फी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा जो फी है वो पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि इसका ट्यूशन फी ज्यादा है तो एट द लास्ट हम लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, अप टू आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके ट्यूशन फी में। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करें तो जिसके लिए आप लोग यहाँ पर 4 साल इन्वेस्ट करने वाले हो, 4 साल या 2 साल आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, जी हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके लिए आप लोग यहाँ पर स्टडीज करते हो। तो अब हम लोग प्लेसमेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ का सबसे हाईएस्ट पैकेज कितना गया था। तो GNIOT का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 70 lakh गया था, 70 lakh गया था, जो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से आप लोग का फी है उसी हिसाब से आप लोग का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो 70 lakh का गया था, यानी आप लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है आप लोग यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम लोग इसका एवरेज प्लेसमेंट का बात करें तो आपका इसका जो एवरेज प्लेसमेंट था वो 5.5 lakh है।
तो आप लोग का जो एवरेज प्लेसमेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता, तो आप लोग का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर 5.5 लाख मिल रहा, और आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो 70 लाख का था। तो यहाँ पर आप लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, अगर आप में वो एबिलिटी है, आप में वो क्षमता है, तो आप लोग इससे भी ज्यादा यहाँ पे पैकेज उठा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो आते हैं यहाँ पर विजिट करते हैं, तो चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कोर ब्रांच के भी बहुत बड़े बड़े जो कंपनी है यहाँ पर विजिट करते हैं, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम प्रीवियस ईयर के परसेंटेज में बात करें, तो प्रीवियस ईयर के यहाँ पर 93% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और टोटल प्रीवियस ईयर का बात करें तो टोटल 470+ कंपनीज विजिटेड की थी कैंपस में। तो ये बहुत ही बड़ा ये गुड न्यूज है आप लोग के लिए, एक बेनिफिट है कि यहाँ पर कंपनीज विजिट करती है। देखो अगर कंपनी विजिट करेगी तभी आप लोग को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, तो यहाँ पे एक आप लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला, चाहे आप कोर ब्रांच को या नॉन कोर ब्रांच को, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग को इस इंस्टीट्यूट में 450+ फैकल्टीज मेंबर्स रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाला है। तो देखो आप लोग का जो ये इंस्टीट्यूट है उसका जो 18 एकड़ में ये जो फैला हुआ है, उसमें आप लोग एक लाइब्रेरी मिलेगा, जहां पर आप लोग सपोज आप बीटेक के साथ गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीटेक के साथ आप लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आप लोग जाकर प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप लोग को लाइब्रेरी में एक दो नहीं 1.25 लाख से भी ज्यादा बुक्स आप लोग को लाइब्रेरी में दिखने वाले हैं, और एसी नॉन एसी, फिर आप लोग को हॉस्टल और फिर बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल ये इंडिविजुअली आप लोग को मिलने वाला है, फिर उसमें एसी नॉन एसी ये सारे फैसिलिटीज जो आप लोग नॉर्मली टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या आईआईटीज एनआईटीज में देखते हो, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। कैंटीन वगैरह का फैसिलिटीज आप लोग को मिल जाएगा कैंपस के अंदर, तो ये नॉर्मल सारे फैसिलिटीज जो है आप लोग को इस इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा। सर उसके बाद जिस चीज का आप लोग वेट कर रहे थे, सबसे पहले हम उसका बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि इसका ट्यूशन फीस ज्यादा है, तब आप लोग को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, और स्कॉलरशिप का भी कुछ पॉइंट है, किसी बेस में आप लोग को दिया जाएगा, वो आप लोग जानने के लिए आप लोग नीचे इंक्वायरी नंबर दे गए, वहां से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले इंक्वायरी कर लो, और इंक्वायरी आप लोग करके आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट नहीं बेस्ट है, तो आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो वीडियो के आगे बढ़ते और हम लोग बात कर लेते कि आप लोग को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो इसका लोकेशन अच्छा है, इसका लोकेशन जो है बहुत बेस्ट है, आप लोग ग्रेटर नोएडा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, तो इसका लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इजीली जो है वहां पर रीच कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें कि इसमें आप लोग बहुत सारे आप लोग कोर्स भी मिलता है, अब इसमें यूजी पीजी सारे कोर्स आप इसमें कर सकते हो, मैनेजमेंट के भी आप इसमें कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर में 470+ कंपनी जो है वो विजिट किए थे ऑन कैंपस, तो ऑन कैंपस आप लोग को यहाँ पर जॉब ऑफर बहुत सारे आप लोग को होने वाले हैं, अगर आप में एबिलिटी है तब। ये नहीं कि आपने कुछ 4 साल कुछ किया नहीं इसके बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको हाईएस्ट आप लोग ज्यादा पैकेज यहाँ से उठा लोगे, तो नहीं, ये आप लोग गलत फहमी है। तो इंस्टीट्यूट आप लोग का सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकता है कि वो आप लोग के लिए कंपनी बुला सकता है, लेकिन जॉब लगने तक ये सब कुछ आपको करना है। तो अगर आप में एबिलिटीज है, आप में अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, तब आप लोग इजिली जो है यहाँ से अच्छा पैकेज उठा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कंपनीज विजिट करती है। और एक और की पॉइंट जो मैंने पहले ही बोला था कि जब ये 2001 में जब ये बना था, तब यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स 2000 स्टूडेंट थे, कैंडिडेट्स थे, बट अब इसमें मोर देन 6000 कैंडिडेट जो है अब इस कैंपस में है। तो ये इसका धीरे धीरे जो है और इंक्रीज हो रहा है, अभी ज्यादा साल नहीं हुआ है, 20+ ईयर हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट का, लेकिन अभी ये धीरे धीरे और जो है ये इम्प्रूव कर रहा है अपने इंस्टीट्यूट को। तो आप लोग अपने लिस्ट में जो है इसको रख सकते हो इस इंस्टीट्यूट को, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे पहले आप लोग को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए, फोड़ना चाहिए। अगर आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में लिमिटेड सीट रहता है, तो अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ देख रहे हो, तब आप लोग GNIOT को अपने लिस्ट में जो है आप लोग रख सकते हो, इसमें एडमिशन आप लोग ले सकते हो। तो एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी आप लोग का सिल्ली सा भी डाउट हो ना, तो आप इसमें आप लोग को पूछने से झिझकना नहीं है कि ये डाउट पूछे या नहीं पूछे, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी नंबर दिया गया, वहां से आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप लोग का स्कॉलरशिप जो है वो लिमिटेड रहता है, तो मेक श्योर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद अब इन स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा।
तो सबसे पहले कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लो। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे अप्लाई करना है तो आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और कॉलेज के लिए भी रिव्यू करूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू किया, अगर आप भी कुछ इंडिविजुअली कॉलेज का रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं ऑफकोर्स उस कॉलेज का रिव्यू करूंगा। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी डाउट हो इस कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप लोग का इंक्वायरी नंबर दिया उसमें आप लोग कॉल कर लेना।